मैंने इसकी पहली कोटिंग करने वाला हूँ। इसको पहले प्रॉपर आपको क्लॉथ से मूव भी कर दिया, इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए छोड़ता हूँ। फिर उस पर लाइट में हो रही है, तो अभी मैं नीचे एक स्प्रे और करने वाला हूँ ब्लैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में एक कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ सिरेमिक कोटिंग का। ये टाटा लक्स ब्रांड का है, अमेजोन से बाय किया है मैंने, और आज मैं इसके स्टेप आपको बताने वाला हूँ किसको आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। आप अपनी कार पे अप्लाई कर सकते हो, अपनी बाइक पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी अप्लायंसेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसको अच्छी खासी ओलिफोबिक कोटिंग बनाता है उस पर, और बाकी पैंट प्रोटेक्शन भी देता है इसमें। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 12 मंथ तक आपके पैंट को प्रोटेक्ट करता है, बाकी देखते हैं कितने टाइम तक ये रहने वाला है। तो कंप्लीट रिव्यू इसमें करूंगा मैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने दिखा दूँ, पहला स्टेप ये है कि अपने इसके लिए आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करने पड़ेंगे, और दो क्लॉथ ले लीजिए, एक स्प्रे करने के लिए और दूसरा वाइप आउट करने के लिए। तो दो क्लॉथ मैं यूज करने वाला हूँ, और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, पहले तो आपको अपनी बाइक या इवन कार पे वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ले जाइए और उस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी इसमें सिंगल कोट करने वाला हूँ, अगर क्योंकि मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है, ये वेस्ट ही हो जाएगा मेरा, तो इसको मैं डबल कोट में करूँगा। और इसमें दोस्तों आप किसी भी पैनल पे कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसके मैनुअल में पढ़ा हुआ था, आप मेटल सरफेस पे, आप टायर्स पे, रिम पे, और मतलब एवरीथिंग पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और परफेक्ट शाइनी एंड ऑलिव होबी कोटिंग वाला आपको इफेक्ट इसमें मिलेगा। तो जल्दी से मैं इसको अभी यहाँ डायरेक्ट सनलाइट में ले जाता हूँ, फिर इसको अप्लाई करता हूँ। तो ये मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा कर लिया। एंड दोस्तों पहले मैं थोड़ा इनिशियल आफ्टर बिफोर वाला भी दिखा देता हूँ। अभी इसकी कंडीशन आपको ऐसी दिख रही है, और उसके बाद मैं इसे कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता हूँ आपको डिफरेंट दिखाने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ कि बाइक प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए वॉश होने के बाद, उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करें, और एक्सेस क्वांटिटी में आपको अप्लाई नहीं करना, सिंगल स्प्रे आपको डालनी है। मैंने इसकी पहली कोटिंग करने वाला हूँ, इसको पहले प्रॉपर आपको हिला लेना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए इसको, उसके बाद इस पर कोट डालनी है। और मैंने एक क्लॉथ ले रखा हाथ मेरा, आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने कई सारी लेयर में इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। मैंने एक स्प्रे कर दिया है, और ये मैंने इसको इवनली इस पर क्लॉथ से मूव भी कर दिया, इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए छोड़ता हूँ, फिर उस पर अगेन दूसरा इस पर कोट करता हूँ। और मैंने दो स्प्रे करी है, किधर डाला ये मैं रेड वाले पोर्शन पे स्कूप करूंगा केवल। इसको सूखने के बाद और मैं ये दूसरे कपड़े इसको रब कर रहा हूँ, नीचे ब्लैक वाला पोर्शन इसको दिख रहा है, बाकी ये साइन इसकी काफी ज्यादा आपको दिख ही रही होगी सनलाइट में हो रही है। तो अभी मैं नीचे एक स्प्रे और करने वाला हूँ ब्लैक वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स मैंने इस पर दो कोटिंग कर दी है, एक्चुअली उसमें अमाउंट काफी ज्यादा था, वो बेसिकली कार के लिए था, तो मैंने उसके लिए बाय कर ली, तो उसमें बहुत सारा अमाउंट अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूंगा आपको, ये एक्चुअल में काम करता है, साइन काफी बढ़ गई, एकदम ग्लॉसी फिनिश हो गया इसमें। यहाँ आप देख पा रहे हो मेरी शेडो दिख पा रही है, ये देखिए ये लाइट की शेडो, क्योंकि बाहर से लाइट आ रही है, लाइट होता तो हो सकता है आपको कैमरे में ना विजिबल होना, पर एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है अगर आप अपनी बाइक के लिए या कार के लिए यूज करना चाह रहे हो, और काफी सारे पैसे आप बचा सकते हो। सिंपल सा था, एकदम सिंपल, सुपर इजी स्टेप थे इसमें, वो आप करके आप पूरी बाइक या कार पे अपना कर सकते हो, उसे कोई इसका कुछ नहीं है। बाकी इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बाइक को ज्यादा वॉश नहीं करना है, और एक बार लगाने के बाद आप डेली वॉश करोगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा इफेक्टिव ना लगे, बाकी काम इसने प्रॉपर किया। अभी साइनिंग मेरी मेंटेन है इसमें, देखते हैं कितने दिन तक ये मेंटेन रहती है। इन्होंने इसमें ये भी मेंशन किया था कि अगर आप 2 महीने तक इसको दो कोट कर देते हो तो 12 मंथ तक ये लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्या आने वाला है, बाकी काफ़ी सही इफेक्टिव रिजल्ट मेरे को इसमें देखने को मिले हैं। इसको बाय करना चाहो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली इसको बाय कर सकते हो और अपनी गाड़ी पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो कह रही हूँ मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। वीडियो इतना देखा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये शाइन इसकी आप देखिए, मेरा इसमें फेस दिखने लग गया है, ये काफ़ी गंदा था, गंदा क्या था मतलब इसके लिए कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं बस बताने का पर्पज़ ये था दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ करिए, और मुझे लगता है आप डिसअपॉइंट नहीं हुए इस चीज़ से। मैं कोई प्रमोशन और रिव्यू नहीं कर रहा इस आइटम का, पर काफ़ी सही आइटम है।